28 जनवरी को शासन के निर्देश पर जनपद बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इच्छा अनुसार जनपद बरेली में छात्रा कुमारी शक्ति गंगवार को एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया। जिलाधिकारी बरेली का चार्ज लेते ही वहां पर फरियादियों की भीड़ लग गई। उस भीड़ में सर्वप्रथम अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर श्रीमती नगीना बेगम पूर्व प्रधान अपने पति बसपा नेता तौफिक प्रधान के साथ जिलाधिकारी कुमारी शक्ति गंगवार के समक्ष पेश हुई और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर एक प्रार्थना पत्र दिया। उनका कहना था कि उनका फार्म हाउस जंगल क्षेत्र में है और उनका ढाबा भी जंगल क्षेत्र में है। ज्यादा रंजिश के कारण उनको अपनी जान का खतरा बना हुआ है, परिवार उनका सुरक्षित नहीं है। 3 बार उन पर हमला हो चुका है। असले के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था परंतु लाइसेंस ना मिलने से पीड़ित परिवार दुखी है और आज उसने अपनी फरियाद एक दिन की जिलाधिकारी के समक्ष रखकर अपने परिवार के लिए सुरक्षा के साथ ही असले के लाइसेंस दिलाए जाने की गुहार लगाई, जिस पर पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया गया कि आपकी समस्या का शीघ्र समाधान किया जाएगा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है। उत्तर प्रदेश में सबको सुरक्षा, सबका सम्मान बराबर मिलेगा। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। सर क्या था कि मैं काम को मत बता सकता मैं आपको मैंने सपा सरकार की रिपोर्ट सपा सरकार की सर सपा सरकार की रिपोर्ट की बात जी जी हुई थी सर वही बात मैं बताना चाह रहा हूँ। जब प्रशासन भी उसी में आ जाता था तो उसमें आ जाता न्यायालय मैंने डाली सरकार से हाँ उसके लिए दूसरा आगे मगर अभी हमें जंगल में जाना है कि बहुत दिक्कत होती है आपकी मान कथा होगी हाँ हमारे ऊपर तौफिक प्रधान जी आज आप कलेक्टर साहब के यहाँ पर आए हैं, क्या समस्या लेके आए? हमारा 1 साल से लाइसेंस की अप्लाई करी है हमने और 3 बार हम पे हमले भी हो चुके हैं। उसकी FIR कॉपियाँ भी हैं हमारे पास और अभी तक उसमें कोई भी आदेश नहीं हुआ है। फिर हाई कोर्ट से भी हमने आदेश करा लिया उस पर, वो हाई कोर्ट का आदेश भी आज हमने लगा दिया है फाइल में। DM साहब से मिल भी लिए हैं अभी और हमें तो जो समझ लो फार्म हाउस पे जाने के लिए बहुत मतलब डर लगता है। जंगल में होटल है हाईवे पे हमारा, वहाँ भी मतलब रात बिरात रुकते हुए बहुत डर लगता है कि बुराई बहुत ज़्यादा है लोगों से। जब 3-3, 4-4 FIRें हो गई हैं, 3-3, 4-4 बार हम पे हमले हो गए हैं तो उस बात को लेकर हम सोच रहे हैं या तो हमको प्रशासन सुरक्षा दे या हमारा लाइसेंस सुरक्षित करे। DM साहब से आपको क्या आश्वासन मिला? DM साहब ने तो अभी कुछ नहीं कहा है, फाइल रख ली है अभी कि देख लेंगे जो कहा है।